Hello students, good morning and once again a warm welcome to all of you in the next part of this video lecture, right? So, आज हम लोग lecture number 10 में बहुत ही ज़्यादा important reaction के बारे में discuss करने वाले हैं. आपको याद है हम लोगों ने शुरुआत किया था chemical properties of alkali के बारे में, जिसमें हम लोगों ने कल के lecture में third reaction के बारे में शुरुआत किया था, sorry, third category के बारे में शुरुआत किया था, that was reaction with the metals, clear? Reaction with the metals में आपके दो reactions आएंगे. सबसे पहला reaction था reaction with the magnesium, second वाला reaction था reaction with the sodium, correct? तो previous video lecture में हमने magnesium के साथ reaction करके जो भी आपका answer आया था वो हम लोग ने discuss किया. अब आज हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही ज़्यादा interesting reaction के बारे में, mark my words, मैंने यहाँ पे कहा interesting reaction के बारे में आज आप discuss करने जा रहे हो, that is reaction with the sodium metal, clear? अब सर यहां पे इस reaction में interesting क्या है, बराबर जैसे बाकी reaction करते दें वैसे इस reaction पे solve करना है, answer is yes, but इस reaction को मैंने interesting क्यों बोला, because इस reaction में कुछ ऐसा होने वाला है जहां पे आपके number of carbons double होने वाले, क्या होने वाले students, double होने वाले, clear? So this is the really very interesting part, जिस reaction में आपने carbon लिया हुआ है एक बार और reaction करने के बाद product में आपके पास number of carbons will be double, clear? अगर आप शुरुआत एक carbon से करते हो तो आपके पास आंसर में दो कार्बन मिलेंगे, अगर आप शुरुआत दो कार्बन से करते हो तो आपके पास प्रोडक्ट में चार कार्बन मिलेंगे, मतलब ऑलमोस्ट आपके पास डबल कार्बन मिल रहा है. अब ये चीजें कैसी हो रही है उसके बारे में ही आप इस रिएक्शन में डिस्कस करने वाले हो. इसके लिए मैं आपको बताया था रिएक्शन इंटरेस्टिंग है, क्लियर? एंड बहुत सारे बच्चों को पता है इस रिएक्शन के बारे में, ऑलरेडी आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में डिस्कस किया था, तो ज्यादा डिटेल में ना जाके आपके विल स्टिक टू द सिलेबस, जितने टॉपिक्स आपको यहां पे दिए हुए हैं उसी चीजों को हम लोग यहां पे क्लैरिफाई करेंगे. बट अगर आप इस चैप्टर को एनसीईआरटी वाइज, मतलब आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के हिसाब से अगर आप इसको प्रिपेयर कर रहे हो तो उस चीज के बारे में भी मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में क्लियर करा दूंगा. तो कोई डाउट्स आपका एट द एंड ऑफ द सेशन नहीं होना चाहिए इस टॉपिक को लेकर. अब जिन बच्चों को डर लगता है कि रिएक्शन सॉल्व कैसे करना है तो वह डर को बाजू में निकाल दो, आराम से सॉल्व करेंगे, क्लियर? चलो, सो रिएक्शन विद द सोडियम मेटल, इसी रिएक्शन को हम एक और नाम से जानते हैं, विच इज कॉल्ड एज Woods reaction, ठीक है? Wood करके मैंने नहीं बोला, that is Woods reaction, ठीक है? Now this is again a named reaction. अब आपने इसको named reaction क्यों बोला होगा student? Because यहाँ पे Woods was the name of the scientist जिन्होंने आपको इस reaction के बारे में बताया था. Just because of that आपने इस reaction को क्या कहा है? Woods reaction, clear? अब इस reaction की खास बात student, मैंने क्या बोला था यहाँ पे? Number of carbons, यहां पे मैं लिख के रखता हूं, number of carbon atoms यहां पे क्या हो जाएंगे students? Product side पे double हो जाएंगे. Very important, यहां पे इस reaction में एक तरह का जादू होने वाला students, ठीक है? तो number of carbon atoms इस reaction में क्या होने वाला है? Double होने वाला है. अब ये चीजें कैसी होंगी उसके बारे में discuss करता है, ठीक है? चलो, सबसे पहले statement, फिर उसके बाद इसको रिएक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? चलो, अब सबसे पहले वर्ड्स रिएक्शन के बारे में स्टेटमेंट पहले समझ लेते हैं, ठीक है? तो चलो शुरुआत करते हैं. सबसे पहले अल्काइल हैलाइड, शुरुआत किससे की हम लोगों ने? अल्काइल हैलाइड, ठीक है? कितने मॉलिक्यूल्स लेंगे सर? दो मॉलिक्यूल्स हम लोग यहां पे ले लेंगे, ठीक है? इसका रिएक्शन करेंगे सोडियम मेटल के साथ. किसके साथ? सोडियम मेटल, ठीक है? चलो, बैलेंसिंग के लिए हम लोगों ने इसको दो मॉलिक्यूल्स लिया हुआ है, ठीक? रिएक्शन शुड बी कैरिड इन प्रेजेंस ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट, दैट इज कॉल्ड एज ड्राई इथर. क्या इस्तेमाल किया हुआ है? ड्राई इथर. अब बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, सर यहां पे हमने ड्राई वाला कंडीशन क्यों इस्तेमाल किया हुआ है? मॉइस्ट वाला कंडीशन हम यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? तो ये सारी चीजें हम लोग प्रॉपरली डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसका टेंशन बिल्कुल ना लो. पहले मैं एक बार स्टेटमेंट बता दूं, उसको रिएक्शन में कन्वर्ट करते हैं एंड देन आपके हर एक डाउट्स में
क्लैरिफाई करता हूं, ठीक है। तो यहां पे कंडीशन याद रखना, ड्राई इथर लिया हुआ है, रिएक्शन करने के बाद अब हमारे पास क्या मिलेगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसे हम बड़े प्यार से स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, दैट इज अल्केन्स। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये रिएक्शन होता है वर्ड्स रिएक्शन, कुछ करना नहीं है। अगर मैंने नींद में भी उठ के पूछा ना तो भी आपको रिएक्शन याद होना चाहिए। इस इतना सिंपल डेफिनेशन मैं आपको इसका बता रहा हूं, ठीक है। तो हमने क्या लिया हुआ है, अल्कालाइड, कितने मॉलिक्यूल्स लिए हुआ है, दो मॉलिक्यूल्स लिए हुआ है। इसका रिएक्शन किसके साथ करोगे, सोडियम मेटल, बैलेंस करने के लिए वो भी मैंने कितनी बार लिया हुआ है, दो बार लिया हुआ है। रिएक्शन मस्ट बी कैरिड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर। रिएक्शन करने के बाद मेरे पास क्या बनेगा, दैट इज अल्केन, ठीक है। चलो अब इसके रिएक्शन के बारे में, रिएक्शन सॉल्व कैसे करना है, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना। चलो शुरुआत कहां से करना है हमें, अल्कालाइड, फॉर्मूला क्या बनेगा, आर डैश एक्स, ठीक है। अब सारे बच्चों को यहां तक तो समझ में आना चाहिए, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो बेटा स्टार्टिंग के वीडियो से फिर बाद में कुछ नहीं किया, ठीक। चलो अल्कालाइड का फॉर्मूला बन जाएगा आर डैश एक्स। इसका रिएक्शन हमें किसके साथ करना है, सोडियम मेटल, सो दैट इज Na। कितने मॉलिक्यूल्स हमने यहां पे लिए हुए हैं, दो बार लिया हुआ है। रिएक्शन वापस करेंगे, अब मुझे बताना मैंने अल्काइल हैलाइड कितनी बार लेना था स्टूडेंट्स, दो बार लेना था। सर आपने एक बार यहां पे लिया हुआ है, एक और बार लेना है ना, तो मेरी मर्जी, मैं एक मॉलिक्यूल यहां पे लिखा हुआ है तो मैं एक और मॉलिक्यूल यहां पे लिख दूं चलेगा? आपके ऊपर है दोनों मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली एक साथ यहां पे दिखाना है तो भी चलेगा, कोई डाउट नहीं है। बट आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। तो मैं एक काम कर देता हूं, अल्काइल लाइड मैंने एक बार यहां पे लिखा हुआ है, अब एक और बार मैं राइट साइड में लिख देता हूं, बट इस बार इसका रिप्रेजेंटेशन अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा हूं, तो इस तरीके से आ गया एक्स डैश आर। क्लियर, मतलब सेम है स्टूडेंट्स, इसका नाम मत बदल देना वरना बहुत सारे बच्चे फिर बाद में इसको हैलाइड अल्काइल लिखेंगे, सर क्यों आपने उल्टा लिखा हुआ, हम भी उल्टा लिखेंगे, ठीक, ऐसा करना मत। चलो रिएक्शन मस्ट बी कैरिड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर, अब इसका रीजन मुझे बताना। रिएक्शन करने के बाद अब क्या होगा, सोडियम क्या बनेगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, मतलब इसके पास कौन सा चार्ज होगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव। हैलोजन क्या बनेगा, इलेक्ट्रो नेगेटिव, कौन सा चार्ज करेगा, नेगेटिव, यहां पे भी नेगेटिव। क्लियर, चलो अब क्या होगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रो नेगेटिव वाले को अपने साथ लेके चला जाएगा, करेक्ट है। तो इतनी चीजें आपके बाहर चले जाएंगी। अब जरा चेक करना बॉक्सेस के बाहर क्या दिख रहा है, यहां पे क्या दिया हुआ है R, यहां पे क्या दिया हुआ है R, दोनों चीजें मिलके बना देंगे R डैश R, एंड दिस कंपाउंड इज एग्जैक्टली व्हाट वी कॉल्ड एज अल्केन। क्लियर, चलो अब इसका बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, बोलो सोडियम कितनी बार दिया हुआ है, दो बार, X कितनी बार दिया हुआ है, दो बार, दोनों चीजें मिलके बनाएंगे टू मॉलिक्यूल्स ऑफ NaX, समझ में आ गया। तो ये बन जाएगा आपका जनरल रिएक्शन, किसके लिए, वर्ड्स रिएक्शन के लिए। क्लियर, समझ में आ गया। अब यहां पे मैंने आपको बताया था सॉरी इस रिएक्शन में सर जादू कहां पे हुआ, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपके डबल कहां पे हुए, तो इसके बारे में एक सिंपल सा एग्जांपल लेके बता दो, ठीक है। चलो मान लो मैंने यहां पर एग्जाम्पल लिया हुआ है, आर की जगह एग्जाम्पल है CH3, ठीक। तो मैंने यहां पर आर की जगह पर लिया हुआ एग्जाम्पल CH3, एक्स के जगह पे आपकी मर्जी, मैंने यहां पे लिया हुआ है Br, आप चाहो तो Cl ले लो, ठीक। चलो इसका नेमिंग क्या बनेगा, CH3 बोला मतलब मिथाइल, Br बोला मतलब, Br बोला मतलब ब्रोमाइड। क्लियर, सो फार समझ में आ गया। तो ये बन जाएगा मिथाइल ब्रोमाइड। इसका रिएक्शन किसके साथ करना है स्टूडेंट्स, सोडियम, कितनी बार लिया हुआ है, दो मॉलिक्यूल्स हमने यहां पर लिए हुआ है। रिएक्शन वापस किसके साथ, तो एक और बार मुझे अल्कालाइड लेना है, दो बार लिया हुआ है ना, अब जो मॉलिक्यूल मैंने यहां पे लिया हुआ है सेम मॉलिक्यूल मैं कॉपी कर रहा हूं, बट इसका रिप्रेजेंटेशन अपोजिट साइड से, तो पहले आ जाएगा Br, यहां पे आ जाएगा CH3। क्लियर, समझ में आ गया। चलो इसका भी नेमिंग क्या बनेगा, दैट इज मिथाइल ब्रोमाइड। क्लियर, अच्छा स्टूडेंट्स अब मुझे बताना, हमने शुरुआत कितने मॉलिक्यूल से की थी, वन मॉलिक्यूल, मेरे पास कितने कार्बन थे, एक ही कार्बन था, बराबर। अब आप ये मत बोलना सर आपने यहां पे भी एक और बार लिया हुआ है, बेटा मॉलिक्यूल्स कभी भी एक बार आप नहीं लोगे, आप जितनी बार सॉरी
मिथाइल ब्रोमाइड कभी भी आप एक बार नहीं लोगे, वो तो आपके पास बहुत सारी चीजें होती है, बहुत टाइम्स होते हैं, करेक्ट है। तो मिथाइल ब्रोमाइड अपनी इसके अंदर एक ही कार्बन अभी कितनी बार लिया हुआ है, अब ये हमें तो यहां पे पता नहीं है, तो मैंने यहां पे दो बार मॉलिक्यूल्स लिए हुए, अब ये होते तो बहुत सारे, करेक्ट है। तो मैंने बैलेंस करने के लिए दो बार लिया हुआ, बट एक्चुअल में मेरे पास कितने कार्बन थे, एक ही कार्बन था, करेक्ट है। रिएक्शन शुड बी कैरिड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राइथर, क्लियर। रिएक्शन करने के बाद अब क्या होगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव एक साथ कंबाइन हो जाएंगे, तो यहां से आपका बीआर, बीआर से लेके पूरा बीआर तक, ठीक है, समझ में आ गया। चलो बॉक्सेस के बाहर चेक करना, मेरे पास यहां पे क्या दिया हुआ है, CH3, यहां पे भी मेरे पास क्या दिया हुआ है, CH3, दोनों चीजें मिलके CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, सोडियम दो बार, बीआर दो बार, दोनों चीजें मिलकर बनाएंगे टू मॉलिकल्स ऑफ एनी बीआर और इसका नाम बन जाएगा इथेन, क्लियर, समझ में आ गया। तो हमने शुरुआत की थी सिंगल कार्बन से और हमारे पास मिल गया डबल कार्बन, दैट इज इथेन, समझा, एक कार्बन से शुरुआत किया और मेरे पास आंसर में मिल गए दो कार्बन, तो यहां पे डबल कार्बन हमारे पास हो गए, क्लियर, समझ में आ गया। तो ये खास बात होती है कौन सी रिएक्शन की, वर्ड्स रिएक्शन की, समझ में आ गया। अब कभी भी क्वेश्चन कैसा भी आने दो, ठीक है, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है C2H5Cl और यहां पे बोला हुआ रहेगा Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया और इसका आंसर फाइंड आउट करने बोला हुआ है, स्टूडेंट्स कैसे करोगे, सबसे पहले चेक करना है मेरे पास क्या दिया हुआ है, सोडियम, कैटलिस्ट क्या दिया हुआ है, ड्राई ईथर, समझ जाना, वहीं पे क्लियर कर लो कौन सा रिएक्शन है, वर्ड्स रिएक्शन से सॉल्व करना, करेक्ट है। वर्ड्स रिएक्शन में सर ने क्या बोला था, जितने नंबर ऑफ कार्बन आप लोगे उसका डबल आपके पास प्रोडक्ट में आएगा, करेक्ट है। तो मैंने यहां पे शुरुआत कितने कार्बन से की हुई है, दो कार्बन, सोडियम के साथ रिएक्शन करोगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आपके पास यहां पे आंसर बनेगा C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5, क्लियर, या फिर आप इसको कंबाइन करके C4H10 करके लिखोगे तो भी चलेगा, समझा। तो इस तरीके से आपको रिएक्शन सॉल्व करना है। तो ये था आपका वर्ड्स रिएक्शन के बारे में, ठीक है। अच्छा एक और चीज यहां पे याद रखना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के हिसाब से वर्ड्स रिएक्शन हमेशा आपको इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रोवाइड करता है। आई रिपीट, जब आप वर्ड्स रिएक्शन सॉल्व करते हो, क्लियर, वर्ड्स रिएक्शन जब आप सॉल्व करते हो, सारे बच्चों का ध्यान यहां पे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप वर्ड्स रिएक्शन सॉल्व करते हो तो यहां पे आपके पास हमेशा इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपके पास मिलेगा। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ड्स रिएक्शन हमेशा आपके पास इवन नंबर ऑफ कार्बन प्रोवाइड करेगा। जैसे मुझे बताना, मैंने शुरुआत एक कार्बन से की थी, मेरे पास यहां पे दो कार्बन मिल गए, इथेन में कितने कार्बन है, दो कार्बन है, तो ये इवन नंबर हो गया। मैंने यहां पे लिया था दो कार्बन, मेरे पास यहां पे कितना मिला, चार कार्बन मिला, तो चार इवन हुआ कि ऑड हुआ, इवन हुआ, समझा, क्लियर है। तो वर्ड्स रिएक्शन हमेशा आपको वर्ड्स रिएक्शन हमेशा आपको इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रोवाइड करेगा। अब इसका मतलब ये होता है क्या सर, ऑड नंबर प्रोवाइड नहीं करेगा, ऑड नंबर भी प्रोवाइड करता है बट उसकी कैपेसिटी बहुत कम होती है, मतलब उसकी मिलने के चांसेस बहुत कम होता है, दैट इज माइनर कंपाउंड बनेगा, ये वाला बनेगा मेजर, ये वाला बनेगा मेजर, बट आपके जो ऑड नंबर्स में कार्बन मिलेगा, ऑड नंबर बोला मतलब तीन कार्बन, पांच कार्बन, जैसे प्रोपेन, पेंटेन, हेप्टेन, ये जो होता है ना, आप इसको बोलते हो ऑड नंबर ऑफ कार्बन, तो इसके मिलने के चांसेस होते हैं लेकिन ये माइनर कंपाउंड होता है। कैसा होता है, माइनर, ठीक है, और बाकी सारे जो इवन नंबर्स रहेंगे वो आपके मेजर कंपाउंड होते हैं, क्लियर, समझ में आ गया। सो यहां भी आपका वर्ड्स रिएक्शन के साथ अल्काइल हैलाइड के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों ने कंप्लीट किया, क्लियर, समझ में आ गया। सो आई होप आपको यहां तक रिएक्शन समझ में आ गए होंगे। अब हम शुरुआत करेंगे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम दिया हुआ है ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है, फटाफट आपके बुक में कॉपी कर लो, ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में आपको डिस्कस करना है। तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लो, इसके बेसिस पे मैं कुछ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है।
ओके, सो आई होप सारे बच्चों को वर्ड्स रिएक्शन के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम शुरुआत करेंगे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, व्हिच इज ऑप्टिकल आइसोमर, या फिर आप उसको बोल सकते हो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। क्लियर, समझ में आ गया? अब ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहले चीज, पेपर में आपको एक क्वेश्चन आता, डिफाइन ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है, एंड एक्सप्लेन द ऑप्टिकल एक्टिविटी फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। आपके पास दो कंपाउंड होंगे, एक तो आपका 2-chlorobutene और दूसरा लैक्टिक एसिड, ठीक है। ये दोनों चीजों का आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी आपको बताना होता है, बट ऑप्टिकल एक्टिविटी आप कब बता पाओगे? जब आपको ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में समझ में आएगा। क्लियर, ठीक है। तो पहले शुरुआत करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर एग्जैक्टली क्या होता है, फिर उसके बाद हम डिटेल में जाएंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है, सारी चीज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब तो ये सबसे बड़ा पहाड़ है, ठीक है, ये आपको चढ़ना है, बट इसको चढ़ने से पहले आपके पास बहुत सारे डिफिकल्टीज आने वाली है, वो डिफिकल्टीज को पार करने के बाद आप इस टॉपिक के बारे में समझ पाओगे, ठीक, क्लियर। सो ऑप्टिकल आइसोमर एग्जैक्टली क्या होता है, हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है आइसोमर्स एग्जैक्टली क्या होता है। व्हाट आर आइसोमर्स? आइसोमर्स का मतलब हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और द डिफरेंट स्ट्रक्चर अरेंजमेंट। क्लियर, तो आप उसको क्या बोलते हो? आइसोमर। बट यहां पे थोड़ी सी कहानी अलग है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे मेरे को मनी मन में गाली भी देने वाले हैं, बिकॉज यहां पे डेफिनेशन कुछ उस तरीके से आपको मैं बताने वाला हूं, ठीक। सो ऑप्टिकल आइसोमर्स, अब यहां पे मेरे पास एक वर्ड दिया हुआ है ऑप्टिकल, राइट। स्टूडेंट्स बिल्कुल टेंशन मत लो, एकदम आराम से जाएंगे। मेरे पास यहां पे दिया हुआ है ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है। यहां पे एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया हुआ है ऑप्टिकल, इसके बारे में जानेंगे बाद में, पहले समझते इसका डेफिनेशन क्या है, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमर्स कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसके पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा होगा, दैट इज सेम, ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और जिसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होता है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों मन ही मन में गाली दे रहे, सर आपने 11th में कुछ और पढ़ाया था, 12th में कुछ और बता रहे, ये क्या हो गया? थोड़ा सा 2 मिनट टाइम दो। ऑप्टिकल आइसोमर में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा होता है? सेम होता है, वर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी कैसा होता है? सेम होता है, करेक्ट है। अब यहां पर एक और चीज मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है, एकदम दिल थाम के बैठना, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम हो गया, इसके साथ साथ इसका केमिकल प्रॉपर्टी, मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है केमिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टीज, एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टीज भी आपका सेम होता है। सर कुछ डिफरेंट है भी या नहीं? सारी चीजें सेम है। देखो पॉइंट समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने किसके बारे में बताया? ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में बता रहा हूं। ऑप्टिकल आइसोमर कैसे होते हैं? कुछ ऐसे कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा होगा? सेम। जिसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी कैसा होगा? सेम। अब जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टीज भी कैसी होंगी? सेम होंगी। सर कुछ डिफरेंट है भी या नहीं इसके अंदर? बेटा डिफरेंट है। अब उसी चीज के बारे में बताने जा रहा हूं, डिफरेंट यहां पर क्या होगा? क्लियर। सो यहां पे डिफरेंट क्या होता है? दे हैव डिफरेंट बिहेवियर टूवर्ड्स द लाइट। समझा? तो इनका बिहेवियर जो होता है, इनका बिहेवियर लाइट की तरफ, किसके तरफ? लाइट की तरफ कैसा होता है स्टूडेंट्स? डिफरेंट होता है। समझा? इसी वजह से यहां पे एक वर्ड दिया हुआ है ऑप्टिकल। ऑप्टिकल मतलब ऑप्टिक्स, जिसका मतलब होता है लाइट।
क्लियर, समझ में आ गया? तो ऑप्टिकल इसका मतलब बन जाएगा लाइट, तो बाकी सारी चीजें सेम होती है बट इसका बिहेवियर जो होता है, इसका नेचर जो होता है किसके प्रति, लाइट के प्रति कैसा होगा, डिफरेंट होगा। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी कॉल्ड एज ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? तो यहां पे बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है, सर सेम क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, सर सेम क्या होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी होगा, सर वापस सेम क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगा, बट सर डिफरेंट क्या है, तो उनका बिहेवियर डिफरेंट होगा टुवर्ड्स द लाइट। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी कॉल्ड एज ऑप्टिकल आइसोमर। अब यहां पे कोई भी लाइट चलेगा क्या? सो आंसर इज नो। एक पर्टिकुलर लाइट की आपको जरूरत होती है विच इज कॉल्ड एज PPL, स्टूडेंट्स IPL नहीं, PPL, ठीक है? अब PPL का मतलब क्या होगा? प्लेन, पढ़ा होगा आप लोगों ने, पोलराइज्ड प्लेन, पोलराइज्ड लाइट, करेक्ट है? तो कोई भी लाइट के सामने उसका बिहेवियर डिफरेंट नहीं होता, आपको एक खास किस्म की लाइट की जरूरत होती है जिसे हमने बड़े ही प्यार से बोला हुआ है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्लियर, समझ में आ गया? तो अब हम समझेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट का मतलब क्या होता है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को समझने के बाद हम समझेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है, ठीक है? चलो, प्लेन पोलराइज्ड लाइट शॉर्ट में मैंने इसको क्या बोला हुआ है, PPL। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, मान के चलो इस क्लासरूम में जितने भी आप लाइट्स देख पा रहे हो, ये कौन सी लाइट्स होंगी? दिस ऑल आर द ऑर्डिनरी लाइट्स। ये कौन सी लाइट है? ऑर्डिनरी लाइट, जिसके अंदर क्या होता है, जिसकी वाइब्रेशंस ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में होते हैं। क्लियर है? कभी ऐसा होता है क्या, आपने लाइट चालू किया हुआ है, ठीक स्टूडेंट्स, आपने लाइट चालू किया हुआ है, पहले लाइट का प्रकाश मेरे टकले पे गिरेगा, फिर जाके किसी और बच्चे के टकले पे गिरेगा? बिल्कुल नहीं होता। जब आप लाइट चालू करते हो तो क्या होता है, उसके जो वाइब्रेशंस होते हैं वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, मतलब जहां पे जा सकता है वहां तक वो पहुंचेगा। क्लियर? तो सपोज मान लेते हैं, सपोज मान लेते हैं ये हमारा सोर्स है, सोर्स जिसमें से आपका लाइट जाने वाला है, ठीक, ये हमारा सोर्स है और इस सोर्स में से ऑल पॉसिबल आपकी वाइब्रेशंस बाहर निकल रहे हैं, ठीक, समझ में आ रहा है? तो ये आपके लाइट का वाइब्रेशंस ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में मैं आपको बता रहा हूं। सो ये कौन से लाइट हो गई स्टूडेंट्स? तो ये बन जाएगा सॉरी ऑर्डिनरी लाइट। ये कौन सी लाइट हो गई हमारी? ऑर्डिनरी, जो आपके घर पे होती है, जो क्लासरूम में आप देख पा रहे हो, ये कौन सी लाइट हो गई? ऑर्डिनरी हो गई, ठीक है, जिसके वाइब्रेशंस ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में, ठीक, यहां पे लिख के रखता हूं, जहां भी आपके वाइब्रेशंस आर इन ऑल डायरेक्शंस। क्लियर, एकदम आराम से बता रहा हूं, बस ध्यान से देखना, थोड़ा सा वीडियो लेंथी जरूर होगा बट कॉन्सेप्ट क्लियर करो स्टूडेंट्स, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, बार बार देखो उसको बट क्लियर कर लो, ठीक है। चलो, अब मैंने इसको क्या किया, मैंने इस ऑर्डिनरी लाइट को मैंने एक पोलराइजर में से मैंने उसको पास किया। किसमें से पास किया? पोलराइजर में से मैंने उसको पास किया। सपोज मान के चलते हैं हमने यहां पे जो पोलराइजर लिया हुआ है दैट इज नथिंग बट अ निकोल प्रिज्म, ठीक है। पोलराइजर एक्चुअली क्या करता है, आपके लाइट को कट करने का काम करता है, चाकू की तरह काम करेगा वो, ठीक, आपके लाइट को कट करने का काम करता है कौन, पोलराइजर, समझा? तो मैंने यहां पे पोलराइजर के तौर पे हमने क्या इस्तेमाल किया हुआ है, निकोल प्रिज्म इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है, या फिर आप इस मटेरियल को पोलरॉइड करके बोलोगे तो भी चलेगा। तो पोलरॉइड कुछ ऐसी चीजें होती है जो क्या करते हैं, आपके लाइट को कट करने का काम करती है, ठीक, समझ में आ गया? सो आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। अब क्या होगा, जब आप इस ऑर्डिनरी लाइट को पोलराइजर में से पास करते हो, एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया हुआ है निकोल प्रिज्म, जब आपका ऑर्डिनरी लाइट इसमें से पास होगा तो स्टूडेंट्स क्या होगा, निकोल प्रिज्म क्या करेगा, आपकी सारी लाइट को कट करेगा एक्सेप्ट अ सिंगल वाइब्रेशन, समझा? तो सिंगल वाइब्रेशन को रखेगा और बाकी सारे वाइब्रेशंस को कट कर देगा। तो मेरे पास यहां पे एज अ रिजल्ट मेरे पास क्या मिलेगा, तो
ये बन जाएगा सोर्स, दैट इज द सेंटर पॉइंट, और यहां पे मेरे पास एक डायरेक्शन में वाइब्रेशन मिला, ठीक है। तो बाकी का जो लाइट का डायरेक्शन था, जो वाइब्रेशंस की डायरेक्शन से, वो क्या हो गए, आपके कट हो गए। कट करने का काम किसने किया, पोलराइजर। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये मेरे पास बन जाएगा सिंगल वाइब्रेशन, क्या बन जाएगा। अब इसका वाइब्रेशन कैसा है, सिंगल डायरेक्शन में है। यहां पे डायरेक्शन कैसा था, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, और यहां पे मेरे पास क्या मिला, सिंगल वाइब्रेशन। नाउ दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी कॉल्ड एज अ प्लेन पोलराइज्ड, अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्लियर, समझ में आ गया। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट कैसा होता है, ठीक है। तो इसी चीज को आप लोग बोलोगे पीपीएल, और इसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट के दौरान आपका वो बिहेवियर चेंज करता है। अगर आप पूछोगे सर मैंने ऑर्डिनरी लाइट लिया तो होगा क्या, सो आंसर इज नो। उसके लिए खास किस्म के लाइट की जरूरत होती है, दैट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब कोई मुझे बता सकता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहां पर इस्तेमाल होती होगी, सॉरी जो आपका पोलराइड जो होता है, पोलराइजर या फिर पोलराइड्स, ये कहां पे इस्तेमाल होते होंगे। सबसे बढ़िया एग्जांपल, आपके गाड़ी के हेडलाइट्स में, करेक्ट ना, आपके गाड़ी के हेडलाइट्स में आपका जो हेडलाइट लगा हुआ रहता है वो आपका एक पोलराइड की तरह काम कर रहा है। अंदर से ऑर्डिनरी लाइट जा रही है, बाहर निकलते समय वो पीपीएल में कन्वर्ट हो रही है, करेक्ट ना, समझ में आ गया। एक और एग्जांपल, आपके एरोप्लेन की जो विंडोज जो होता है उसमें जो ग्लास लगी हुई रहती है वो भी किसके तरह काम करता है, पोलराइजर की तरह काम करता है, दैट इज पोलराइड्स। क्लियर, समझ में आ गया। तो सो फार यहां तक मेरे हिसाब से आपको मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी एग्जैक्टली क्या होती है, ठीक है। ओके, सो अब हम शुरुआत करेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी एग्जैक्टली क्या होती है उसके बारे में हम देखने वाले, ठीक है। अभी हम लोगों ने फिलहाल डिस्कस किया ऑप्टिकल आइसोमर क्या होता, हमने डिस्कस किया पीपीएल का मतलब क्या होता, ठीक है, कहां पे चेंजेस होते उसके बारे में डिस्कस किया। अब हम शुरुआत करेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता। ऑप्टिकल एक्टिविटी एक्चुअल में कुछ सब्सटेंस आपको शो करते हैं, ठीक है। सब्सटेंस आपका ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं, ये चीज फाइंड आउट करने के लिए आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी का फिनोमेना परफॉर्म करना होता है, ठीक है। कौन सा सब्सटेंस ऑप्टिकल एक्टिव है या फिर कौन सा सब्सटेंस ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये चीज पता करने के लिए हमें क्या करना होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी का फिनोमेना, ऑप्टिकल एक्टिविटी का फिनोमेना आपको परफॉर्म करना होता है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम शुरुआत करते हैं इसका फिनोमेना एग्जैक्टली क्या है उसके बारे में शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो सपोज मान लेते हैं हमने यहां पर क्या लिया हुआ है, प्लेन पोलराइज लाइट लिया हुआ है। बिकॉज मैंने आपको पहले बताया था कोई भी लाइट यहां पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, तो हमने यहां पे लिया हुआ है प्लेन पोलराइज लाइट। आई होप सारे बच्चों को समझ में आ रहा है, ठीक। तो ये कौन सा लाइट हमने लिया हुआ है, प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है। प्लेन पोलराइज लाइट को हमने क्या किया, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस में से हमने पास किया, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या फिर ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में से हमने पास किया, ठीक है। यहां पे हमने एक ऑर्गेनिक सॉल्यूशन लिया हुआ है, यहां पे हमने एक ऑर्गेनिक सॉल्यूशन लिया हुआ है, ठीक है। अभी ऑर्गेनिक सॉल्यूशन का काम क्या होता, ऑर्गेनिक सॉल्यूशन का काम क्या होता, इसके अंदर जो सब्सटेंस होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहां पर नीचे लिख देता हूं ऑर्गेनिक सॉल्यूशन के अंदर जो भी चीजें होंगी, whether the substance is optically active or inactive, clear? To find out this, हमने यहां पर एक solution लिया हुआ है, clear? अब हमने क्या किया, इस plane polarized light को हमने इस organic solution में से pass किया जिसमें हमें find out करना है वो सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है, यह हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब जैसे ही उसको मैंने ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में से पास किया तो मेरे पास यहां पे तीन अलग अलग रिजल्ट आएंगे, कितने स्टूडेंट्स, तीन अलग अलग रिजल्ट आएंगे। सबसे पहला फर्स्ट रिजल्ट हमारे पास क्या मिलेगा, जैसे आपके इस प्लेन पोलराइज लाइट को मैंने इस ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में से पास किया, ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में से बाहर निकलने के बाद उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, वो एज इट इज आपका बाहर निकल गया, मतलब इसकी डायरेक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। क्लियर, समझ में आ गया।
इसके डायरेक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। अब ये मत बोलना सर यहां पे चार लाइन खींचा हुआ, यहां पे तीन लाइन, सर एक लाइन कम हो गया, बिल्कुल नहीं, ठीक है। वो मैंने वहां पे जानबूझ के मैंने तीन लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ, चलो ले लो यहां पे एक और लाइन, ठीक, समझा, वरना उसमें बाद में डिफिकल्टीज क्रिएट करोगे। ओके, तो मुझे बताओ जैसे मैंने लाइन को पास किया था, सॉरी जैसे मैंने लाइट को पास किया था वैसा ही लाइट बाहर निकला, मतलब यहां पे ऑप्टिकल एक्टिव बिल्कुल नहीं हुआ। तो ये सब्सटेंस क्या होगा, दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्लियर। अगर इसके अंदर कोई रोटेशन नहीं हुआ तो इसका मतलब ये सब्सटेंस कैसा होगा, दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्लियर, समझ में आ गया। चलो दूसरा रिजल्ट क्या हो सकता है, मैं यहां पे और करके लिखता हूं या तो फिर ये आ सकता है, ठीक है। तो यहां पे दूसरा रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट नंबर टू, ठीक। दूसरा रिजल्ट क्या होगा, आपका प्लेन पोलराइज लाइट राइट हैंड साइड के तरफ रोटेट होगा, यानी कि कुछ इस तरीके से आपका सब्सटेंस रोटेट होगा, स्लाइटली टूवर्ड्स द राइट आपका ये रोटेट होगा, ठीक, समझ में आ गया। तो इसका डायरेक्शन राइट साइड पे आपका रोटेट हुआ, क्लियर, समझ में आ गया। अगर आपके डायरेक्शन में चेंजेस आ रहा है, ठीक है, ये कहां पे शिफ्ट हुआ, राइट हैंड साइड के तरफ शिफ्ट हुआ, या फिर आप इसे बोल सकते हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कहां पे रोटेट हुआ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के तरफ रोटेट हुआ, क्लियर। अगर इसका रोटेशन राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब ये सब्सटेंस कैसा होगा, सो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्लियर, समझ में आ गया। इसका डायरेक्शंस में, इसके बिहेवियर में चेंजेस हुआ, क्लियर। या तो फिर तीसरा रिजल्ट मेरे पास आ सकता है, रिजल्ट नंबर थ्री, क्लियर। रिजल्ट नंबर थ्री क्या होगा, ये राइट हैंड साइड के जगह पे लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा, तो इसका मतलब आपका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से आएगा, क्लियर, समझ में आ गया। तो आपका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट होगा, थोड़ा समझ जाना, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड, या फिर आप इसे कह सकते हो दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बराबर। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट हो रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन शिफ्ट हो रहा है तो भी आपका ये स्ट्रक्चर ऑप्टिकली कैसा होगा, एक्टिव होगा, क्लियर, समझ में आ गया। तो हमें इनएक्टिव के बारे में बात नहीं करना, हमें किसके बारे में बात करना है, एक्टिव के बारे में। तो एक्टिव में मुझे कितने रोटेशन मिलेंगे, दो, एक बनेगा क्लॉकवाइज, एक बनेगा एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर। जब आपका सबसे आपका लाइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, इसी हम लोग बड़े प्यार से नाम दिया हुआ है, व्हिच इज कॉल्ड एज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, क्लियर, डेक्स्ट्रो, सॉरी हैंडराइटिंग अगर नहीं समझ में आई तो, डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस, क्लियर, समझ में आ गया। वरस बाय चांस अगर आपका लाइट एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है तो उसे आप लोग कहोगे लेवो रोटेटरी सब्सटेंस, क्लियर। डेक्स्ट्रो मतलब राइट साइड और लेवो मतलब लेफ्ट साइड, क्लियर, समझ में आ गया। डेक्स्ट्रो राइट और लेवो लेफ्ट, क्लियर। सो दैट वाज अबाउट द ऑप्टिकल एक्टिविटी, और इसी फिनोमेना को आप लोग क्या बोलते हो, ऑप्टिकल एक्टिविटी, क्लियर। सो आई होप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो आज के लेक्चर में हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। आपने क्या करना है, आपने सारी चीजों का एक प्रॉपर नोट्स बना लो, कहीं पे अगर आपको दिक्कत आ रही है प्लीज आपके कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर दो, आपके डाउट्स जल्द से जल्द मैं सॉल्व करने का ट्राई करूंगा, ठीक है। प्लीज मेक श्योर आप पूरा वीडियो देख रहे हो, बिकॉज यहां पर मैंने आपका बहुत ही ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।